ओए, क्यों होया? ये मरी हुई छिपकली की तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ आपने? मैं तुझे मरी हुई छिपकली लगती हूँ? अब एग्जाम्पल दे रही थी चंद्र दीदी, एक पड़ेगी ना सब देना भूल जाएगी। हाँ, इतना मूड क्यों खराब है यार? ऑफिस में बॉस, घर पे नंदू, पप्पू, मम्मी जी, बच्चे सब मिलके पकाएंगे तो सड़ेगा ही ना। है सब मिलकर पकाएंगे तो जलता है ये सुना था, पर सड़ता कैसे? तू चुप कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, मेरे चुप रहने से आपका मूड ठीक हो जाएगा तो मैं चुप हो जाती हूँ। अरे यार, मैं कह रही हूँ, मैं पूरे दिन मेहनत कर करके थक जाती हूँ। सब लोग मुझे इतना फार ग्रांटेड लेते हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और सब लोग मजे करते हैं। चंदू दीदी, आपकी इतनी दुर्दशा देख करके ना मुझे अपना फ्यूचर तो बड़ा ही डार्क लग रहा है। बोलती रहे ना, थोड़ा सुकून हो रहा है। कोई तो है जो मेरे जैसा है, मैं अकेली नहीं भुगतूंगी। How mean? अरे यार, मुझे ज्यादा टेंशन इस बात की हो रही है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। टेंशन हो रही है तो मत जाओ। अरे नहीं, बिजनेस ट्रिप पे चली जाऊंगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा? ये समस्या ना थोड़ी गंभीर समझ में आ रही है। समस्या गंभीर नहीं है, घर वाले। ओए, वही कह रही हूँ, पर इसको सॉल्व करने के लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मेरी कार्ड देखो, ये लो। अब फिर से मेरी बारी। अबे वहां क्यों फेंक रहे हो, यहाँ फेंको ना। देखो ये लो, चांदनी। हाय पापा, ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो गेम खराब हो जाएगा। अबे अगर अभी नहीं किया ना तो हम सबका थोपड़ा खराब हो जाएगा। मार खा खा के पीछे देख। तुम लोगों को पता है तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत करती है घर साफ करने में, और तुम लोग इस तरह से गंदा करते हो। पापा पर आप तो चुप कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? पर पापा आप भी हमारे साथ मार खाओगे। ये पा है? चल मिंटू। भाग गए। चंदू तबीयत ठीक है? मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ चंदू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, तुमने हमेशा की तरह चिल्लाया नहीं और जानलेवा हमला नहीं किया ना, इसलिए मुझे शक हुआ, इसलिए पूछ रहा था। देखो नंदू, मुझे ऑफिस के कामों की टेंशन है, पर अब से ना घर के कामों की कोई टेंशन नहीं है। क्या इसका मतलब? हम ये सारी चीजें इधर उधर फेंकते उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? वाह चंदू वाह, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर मानोगी कि इस तरह से चीजें फेंकने से, घर पर शोर मचाने से घर हरा भरा रहता है। चुप करो, मुझे गंदे घर में नहीं रहना। लेकिन मैंने घर से कचरा बाहर निकालने का उपाय कर लिया है। क्या उपाय किया है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नौकरानी रखूंगी जो घर संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों का भी ध्यान रखेगी। इसका मतलब पैसों के अलावा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदू, मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैं मजाक करूंगी ना तो बड़े जोर से लगेगा। चंदू ये सही नहीं है। तुम्हें ठीक करने के लिए तो यही सही है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नौकरानी वाली बात कर रहा हूँ। मम्मी जी किसी गैर के साथ बच्चों को कभी रहने नहीं देगी। और मैं ये नौकरानी नहीं छोड़ूंगी। 1 2 3 4 मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। Why is अरे मम्मी जी, आप इस तरह से अष्टवक्र क्यों बनी हुई है? ओए अष्टवक्र नहीं बनी हुई, मैं मोरनी बनी हुई हूँ। पूरा पागल होने के लिए यही बचा था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मी जी, जो भी बनी हुई थी ना बहुत अच्छी बनी हुई थी। मैं ना मोरनी आसन कर रही हूँ, ये करने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। पर क्यों मम्मी जी, आपको रीढ़ की हड्डी को सीधी करके क्रिकेट खेलना है क्या? और चुप कर, तू मुझे ये बता क्यों आए हो यहाँ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए?
अरे मम्मी जी, हम लोग तो ये कहने आए कि हम लोग ना आपको नौकर रखने वाले हैं। अपनी इस कम से कमजोर माँ को नौकर रखोगे? मुझे तो पहले ही बड़ी वीकनेस महसूस होती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम ये कहने आए थे कि हम आपके लिए नौकर रख रहे हैं, जो घर की साफ सफाई करेगी, खाना बनाएंगी, बच्चों का ख्याल रखेगी। ना मेरे बच्चों को नौकर देखेंगे? किसका किसका आइडिया ये? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ उसे। क्या नंदू, इतना घटिया आइडिया लगा तुम है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंदू, ये तेरा आइडिया है? ये मेरा आइडिया है। देखा मम्मी जी, कह रहा है इसी का आइडिया है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ। करो तुम, मम्मी जी के होते दूसरी नौकरानी। मैं नौकरानी हूँ? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब है दूसरी औरत जो बच्चों का ख्याल रखेगी। नहीं नहीं, कभी नहीं, आप तो रोज सुबह उन्हें उठा देंगी, स्कूल ड्रेस प्रेस करके, स्कूल ड्रेस पहनाकर, शू पॉलिश करके, शूज पहनाकर, खुद चिंटू के लिए कॉर्नफ्लेक्स, मिंटू के लिए टोस्ट बना के, ब्रेकफास्ट करके उनको बस तक छोड़कर आएंगी, और फिर घर पे वापस आकर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन। तू भी तो मेरे साथ काम कराएगी ना? नहीं मम्मी जी, मैं तो ऑफिस ट्रिप पे बाहर जा रही हूँ ना। लेकिन आप कर लेना मम्मी जी, कोई टेंशन नहीं। नंदू तुम देखना, मम्मी जी ये सारे काम कर करके मर जाएंगी, लेकिन वो नौकर नहीं रखने वाली है ना मम्मी जी? नहीं। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं। मैं ना अपने भोलू बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती, अगर वो नौकरानी रखना चाहता है तो रख ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी। भोलू बेटा जल्दी से नौकरानी को फोन करते। चलो अब, नंदू और आपकी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। अच्छा जी। नंदू एक काम करो, नंबर नोट करो। मैं तो ऑफिस ट्रिप पे जाती हूँ मम्मी जी। कोई टेंशन नहीं है, चलो सब ठीक हो गया। नंदू पुत्र जल्दी से फोन लगा। लगा रहा हूँ मम्मी। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। अबे पप्पू, इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया यार। तुम्हारे बच्चे हैं ना? क्या बोला? या दरवाजा देख भाई, जब से इस घर में आया तब से मैं दरवाजा देख रहा हूँ, लकड़ी का है, ब्राउन कलर का, ऐसे खुलता है। जाता है या मम्मी जी को बुलाओ। हट भालू। ओ जीसस, जरा देखिए तो, यही घर है? ये घर नहीं, कागज है। ओ जीसस, मैं इस पे लिखे हुए पते की बात कर रही हूँ। वो अच्छा पता है। हाँ यही तो पता है, यही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब नहीं आ सकती, अब मैं मंगनी शुदा हूँ ना, पहले आती तो बात बन जाती। ओह जीसस, मैं दिव्या गवर्नेस हूँ। अबे कौन है पप्पू? दिव्या जी है, दिव्या जी गवर्नेस के लिए आई है। हेलो। ओह जीसस, ये इतने बड़े से कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े वाले हैं। पेट देखकर लगता है। हाँ, दो बच्चों के बाप है ना, शादीशुदा। इनका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आधा आधा बुक्ड हूँ। आओ अंदर आओ। अपना ही घर मत समझ। जस्ट वेट फॉर वन मिनट। ओह जीसस, ये कौन है? ये हमारी मम्मी जी हैं। मम्मी और आओ। कैसे चिपक के खड़ा है, बदतमीज। काटती तो नहीं है ना? क्या बोली? ओ जीसस, नहीं नहीं, ये तो अभी बोला ना, इससे पहले क्या बोला? उससे पहले तो आपने मुझसे सवाल पूछा ना। बड़ी चालू लगती है। क्या नाम है तेरा? जी दिव्या जी। कोई अनुभव? नहीं नहीं, कोई अनुभव नहीं है, पर हाँ मयूर विहार में ना विकास है, और लक्ष्मी नगर में प्रकाश है, और राजीव चौक में वहाँ पे आकाश है। ये कौन है? ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं,
सिर्फ चार ही तो है। सिर्फ चार? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की नहीं, तेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही। मैं तो मोदी से लेके ओबामा तक के घर काम कर चुकी हूँ। मोदी से ओबामा तक? हाँ, मोदी मैं तो और वो ओबामा फर्नांडिस। कहीं आप लोग दिव्या के काम पर शक तो नहीं कर रहे? बहुत काम करती हूँ मैं, कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को। वो तो भाई देखेंगे। अच्छा अब दिव्या को बताओ कि बच्चे कहाँ है। आपको ही नहीं पता आपके बच्चे कहाँ है? ओ जीसस, मेरे बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या बात है। वैसे मैं आपके बच्चों की बात कर रही थी। ओह अच्छा, आप बुलक स्कूल गए हुए? ओह अच्छा, मैं ऐसी चाय बनाऊंगी कि तहलका मच जाएगा। किचन कहाँ है आपका? हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। पेट खा दूंगी। चलो आप बैठिए ना। हाय हाय हाय। अबे तू नीचे क्यों बैठ गया? भाई दिव्या जी ने कहा ना नीचे बैठने के लिए। अबे तो उसने यहाँ बैठने को थोड़ी ना कहा है। लल्लू कहीं था। भाई ये दिव्या जी कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ यार वो तो है। अब कैसा दिख रहा है? अब सब तानिया जैसा दिख रहा है मम्मी जी। बदतमीज नालायक। खामोशियां बेचैनियां नादानियां कुछ ख्वाब गोल थोड़े चक्कर अखियों की डोर है कभी चांद लेके उड़ जाए। अरे वाह, थोड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी जी वो दिव्या पराठे बना रही है। तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। ये दिव्या ने बड़े काम किए है ना मम्मी जी। हाँ दिव्या नाम है मेरा। दिव्या, मैंने आप सब लोगों का फेवरेट खाना बनाया है। ओह जीसस, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। हाय हाय, तू तो खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रही है। पहले हम खाएंगे फिर बताएंगे भी अच्छा है कि नहीं। सब कुछ बनाना आता है मुझे, आप खाकर तो देखो। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बच्चों खाओ खाओ, दिव्या दीदी ने बनाया। तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम चलेंगे गार्डन में खेलने। सच? अब वो बच्चों से पूछ रही है। भाई तुम क्यों करते हो? वैसे ना दिव्या को रख के चंदू ने जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है। ये बात। मम्मी जी आपको पसंद है तो मैं बात चला लूं? क्या? भाई कह रहे थे। नहीं नहीं वो मुझे। यार ये लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। जवाब देते देते सर में दर्द हो गया, अब कहाँ से लाऊं जवाब। ओ जीजस, आपको जो चाहिए वो यहाँ है। कमाल है, इस कप में जवाब है। ओ नहीं, इसमें जवाब नहीं चाय है। पर चाय तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ओ जीजस, ये सवाल का नहीं आपके सर दर्द का इलाज है, पीजिए ना। और आपका ये तो दिव्या आपका सर भी दबा दे। अगर चंदू ने तुम्हें मेरा सर दबाते हुए देख लिया ना तो वो मेरा गला दबा देगी। इस लंगूर के हाथ में सारे अंगूर कैसे पड़ जाते हैं। अभी कीड़े करता हूँ। हाँ दिव्या रहने दो, भाई का सर दर्द ना भाभी के जूते पड़ने से ठीक होता है बस। अबे क्या बोल रहे? दिव्या जी मेरे कपड़े प्रेस कर देंगी, मुझे ना बाहर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना है। हाँ हाँ अभी प्रेस कर देगी दिव्या। ओके। नंदू जी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। पक्का? ओ जीसस। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, इनकी जिंदगी ना पहले से झंड है। मर गई। आंटी जी। कौन आंटी जी? आप आंटी जी। प्रेमु तेरे ना अपनी उम्र देखी है, उससे सिर्फ 2-3 साल छोटी होगी। आंटी जी। ओ जीसस। बोल किस काम की आई है। मैं पैर दबा दूं?
अपने पैर दबाने के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे मैं आपके पाँव दबाने की बात कर रही हूँ, आपका दर्द एकदम गायब हो जाएगा। नहीं नहीं रहने दे। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तू इतनी जिद कर रही है तो फिर दबा दे, आ जा बहन बन के दबा दे। एक तू है और एक मेरी बहू है, तू मेरी कितनी सेवा करती है और मेरी बहू मुझे साफ ही कर देना चाहती है। काश मेरी बहू भी मेरी इतनी सेवा करती और मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जा जा दिव्या बहन अपना काम कर। ठीक है। ओ नंदू पुत्र देखा? हाँ देखा मम्मी जी, क्या मस्त है। फड़े मत तेरे। ओए मैं कह रही हूँ देखा उसने मेरी कितनी सेवा की, चंदू ने कभी की इतनी सेवा? मम्मी जी चंदू ही तो इसे आपके लिए लेकर आई है सेवा करने के लिए, आप ना खामखा चंदू को ताना मारती रहती है। भले यार मम्मी ने। मैं चंदू को ताने मारती हूँ? अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं और क्या क्या मार सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अरे मम्मी जी तेरी ऐसी कदासी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओ जीजस, तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। चलो बच्चों अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। नहीं दीदी, नहीं दीदी, हमें और खेलना है। ओ जीजस, खेलने में कितना ध्यान है तुम्हारा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। चलो अब पढ़ने चलेंगे। दीदी मजा आ रहा है, प्लीज प्लीज। अरे चलो मैं पढ़ाऊंगी ना तो और भी मजा आएगा, चलो। अरे वाह दिव्या जी, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं। मैं भी बच्चों को बहुत पढ़ाया करता था। हाय जब जब पढ़ाया तब तब फेल हुए। मजाक कर रहे, नटखट बच्चे है ना। बेटा जाओ चिंकी खेल रहे उधर जाओ। मैं ना इनके साथ बहुत फ्री हूँ। मैं कह रहा था अगर आप फ्री हो ना तो आप मेरी रोल के रिहर्सल में मेरी हेल्प कर सकती हैं। ओ जीसस, आप हीरो हैं? हाँ बहुत बड़ा हीरो। ओ जीसस, पर आपकी हाइट देख के तो नहीं लगता कि 6 फीट से लंबे हैं, तो बहुत बड़े कैसे हुए? हट पगली, हाइट से नहीं मैं तो ओहदे से बात कर रहा हूँ, मैं ना बहुत बड़ा हीरो हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी हीरोइन बना सकता हूँ। ओ जीसस, ना बाबा ना, मुझे हीरोइन नहीं बनना, मैं तो यही ठीक हूँ। अच्छा हेलो। हाँ हाँ ओ नहीं। हाँ 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 किसका फोन था दिव्या? हाँ वो ना रॉन्ग नंबर था। है रॉन्ग नंबर पे इतने सारे रिएक्शन? ओ जीसस टाइम जा रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ। ओके बच्चों चलो 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 पढ़ेंगे, चलो चलो चलो। चंदू जी आपको पूरे 2 दिनों बातें करके मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। सबके लिए ना बड़े सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, बैग बहुत भारी हो गया। हाँ। सब देखना कैसे खेल उठेंगे। बैग है या फूल जो खेल उठेगा? अरे मैं बैग की नहीं घर वालों की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा चलो चलो। अरे चांदनी तुम आ गई, देखा क्या कहता। अच्छा तूने बाहर दिव्या को देखा क्या? दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही। दिव्या दिव्या दिव्या। चंदू दीदी, चंदू भाई को क्या हो गया? कोई बात नहीं। दिव्या, एक और दिव्या आ गया। दिव्या को देखा क्या आप लोगों ने? आपने कहां से देखा होगा। दिव्या जी, ओ जीसस, हाय दिव्या जी। इसने भी मुझे नहीं देखा। दिव्या जी, दिव्या जी कहां चली गई थी आप? मम्मी जी के रूम पे गई थी ना उन्हें खाना देने। अच्छा अच्छा पप्पू जी। हाँ। खाना ना रेडी है, आप भी कर दो हमला। ओके। अबे अबे ओए। हाँ। तरिया तानिया। हाँ क्या खुशबू आ रही है। थैंक यू जी, आज दिव्या ने नई रेसिपी बनाई है। ओ जीजस आपका भाई चांदनी जी, आइए आइए खाना खाइए।
हाँ चलो। मैं लेकर आती हूँ मेरे बच्चे। अरे नहीं नहीं चंदू तुम रुको ना, दिव्या लेकर आएगी, बहुत अच्छा लेकर आती है। हाय मम्मी। हाय बच्चों, तुम आ गए, मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रेजेंट्स लेकर आई हूँ। दिव्या दीदी हमें जल्दी से लंच करा दो ना, फिर हम कल वाला गेम खेलेंगे। ओह जीसस, कितने क्यूट बच्चे हैं। तुम लोग जल्दी से खाना खा लो, फिर हम चलेंगे खेलने, ठीक है? चलो आओ। सियापा, चंदू दीदी, दो दिन में चुड़ैल दिव्या ने क्या जादू कर दिया है? आपके बच्चे तक आपकी नहीं सुन रहे, उन दोनों की तो छोड़ी दो। अब क्या होगा तानिया? कुछ तो करना होगा।